नेम इन निशान और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में यूजर से इनपुट कैसे लेता है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है, क्लास का नाम है यूजर इनपुट आउटपुट। और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यूजर से उसका नाम लेने का ट्राई करते हैं कि कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंसोल पे प्रिंट करा देता हूँ कि एंटर योर नेम। ये करने के लिए सबसे पहले मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि मैं एक वॉइड टाइप का एक मेथड बना लेता हूँ, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यहां पे मैं कर देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर नेम। हम यहां पे राइट लाइन और राइट, हमारे पास दो मेथड होते हैं। राइट लाइन क्या काम करता है, जब भी कंसोल पे कुछ प्रिंट करेगा तो कर्सर ना नेक्स्ट न्यू लाइन पे सेट कर देता है, तो अगली बार जब भी आप कुछ प्रिंट करना चाहेंगे वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। और अगर आप कंसोल डॉट राइट मेथड यूज करते हैं तो क्या काम करता है, वैल्यू कंसोल पे प्रिंट कर देगा बट कर्सर वहीं पे छोड़ देगा, अगली बार आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगी। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। और अब हमें ये यूजर से नेम चाहिए, तो नेम हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। और अब मैं क्या काम करता हूँ, लेट्स से मेरे को प्रिंट कराना है कि जो भी यूजर ने नाम दिया है उसके नाम की लेंथ क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द लेंथ ऑफ द नेम इज नेम डॉट लेंथ। यहाँ पे इसको कंसोल डॉट रीड लाइन को थोड़ा सा और समझता है। कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा जो भी वैल्यू देगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, ठीक है। अगर आपको इसको स्ट्रिंग में चाहिए तो आपने उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बट लेट्स से कि आपके यूजर से क्या चाहिए, उसकी एज चाहिए जो कि एक इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, या आपको उसका फोन नंबर चाहिए, या आपको उसकी सैलरी चाहिए, या आप उससे कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स में, तो ये सब अदर डेटा टाइप्स हो गए जो कि कंसोल डॉट रीड लाइन रिटर्न नहीं करता है। इन दैट केस हमें जिस टाइप में वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप में ही अपनी वैल्यू उस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इसको समझते हैं उसके बाद ये भी समझेंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस में जाता हूं, इस कोड को कमेंट करता हूं। यहां पे यूजर इनपुट आउटपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एंड देन यहां पे जो मेथड है उसको कॉल कर देते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। ये कोड बिल्ड हो रहा है, सो फर्स्ट टाइम में कई बार टाइम लगता है। अब उसने पूछ लिया कि सबसे पहले मैंने कंसोल पे प्रिंट किया कि एंटर योर नेम एंड देन मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड यूज किया था, तो उसने प्रिंट करने के बाद जो कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में सेट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब आप कोई वैल्यू देंगे या यूजर वही यूजर कुछ प्रिंट कराना चाह रहा है तो हमेशा नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट से होगा। तो लेट्स से मैं अपना नाम दे देता हूँ निशान एंड देन मैं एंटर कर देता हूँ, तो उसने प्रिंट कर दिया द लेंथ ऑफ द नेम इज 7। लेंथ एक मेथड है जो क्या काम करता है, स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको काउंट करता है। सो दिस इज द वे दैट वी कैन यूज कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि मैं क्या काम करता हूँ, मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए, मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन यहाँ पे ना इस बार राइट यूज करते हैं, ठीक है। राइट को भी समझ लेंगे, मैं बोल देता हूँ कि एंटर योर एज एंड देन हम क्या काम करते हैं उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है, इंट एज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। देखिएगा अब ना ये एरर दे रहा है, ये एरर किस लिए दे रहा है, अगर आप इसका एरर मैसेज देखेंगे
वो बोल रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, बिकॉज कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और हमें वैल्यू चाहिए इंट में, तो हम इसको क्या काम करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ठीक है, ये वैल्यू इंटीजर में आ गई है। अब हम क्या काम करते हैं, कुछ प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और देन यहाँ पे लिख देते हैं योर नेम इज प्लस नेम एंड यू आर दैट्स इट। अब इसको चला के देखते हैं, सो सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन किया था तो उसने कर्सर नेक्स्ट लाइन में सेट किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी निशांत गुप्ता, एंटर किया, उसने लेंथ दे दी 13 और ये स्पेस को भी काउंट करता है। फिर मैंने कहा था कि कंसोल डॉट राइट मेथड को यूज किया था और लिखा था कि एंटर योर एज, तो इसने क्या काम किया, कंसोल डॉट राइट मेथड क्या काम करता है, जहां पे उसने प्रिंट करा दिया कर्सर वहीं पे एज इट इज सेट कर देता है। तो अब मुझे अपनी एज देनी है तो एंड देन जब मैं एंटर करता हूँ तो फिर उसने प्रिंट करा दिया योर नेम इज निशांत गुप्ता एंड यू आर 26 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे एक बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी अदर डेटा टाइप में वैल्यू चाहिए एक्सेप्ट स्ट्रिंग तो आपको उसको उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए तो वो आप उसको वैल्यू को एज इट इज किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।